चीन के खिलाफ दुनिया में किन किन जगहों पर जंगी मोर्चे खुल रहे हैं ये जिनपिंग भी नहीं जानते। ये तमाम वॉर फ्रंट चीन के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनपिंग है कि जानबूझकर अपने दुश्मन बढ़ा रहे हैं। इस बार जंग का मोर्चा खोला है ब्रिटेन ने। जंग का ये रूट वाया बाबाडोस होगा, वो जगह जहां संवैधानिक प्रमुख ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है और चीन क्वीन को ही अपमानित करना चाहता है, इसलिए ब्रिटेन वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। न्यू वॉर फ्रंट लेटेस्ट रिपोर्ट। जंगी मैदान बारबाडोस, ड्रैगन का कपट प्लान, नई चाल, ब्रिटेन हैरान। क्वीन से मिलेगा ऑर्डर, जलेगा कैरेबियाई सागर। ब्रिटेन चीन की टक्कर तय है, जंग भयंकर। चीन की छवि इस वक्त दुनिया में ग्लोबल विलेन की है। एक तरफ अमेरिका से सीधी अदावत का मोर्चा खुला है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान से लगी सीमा पर बड़ी हलचल है। साउथ चाइना सी से लेकर ईस्ट चाइना सी और फिलीपींस सागर तक चीन के खिलाफ घेराबंदी है। बावजूद इसके ड्रैगन के जमीन निगलने की कोशिश में कोई कमी नहीं है। इस बार टारगेट है कैरेबियाई देश बारबाडोस, जहां हर शख्स महारानी के सामने सिर झुकाना अपना सम्मान समझता है। बारबाडोस को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। हिमाकत चीन कर रहा है, जिसका जवाब देने की पूरी तैयारी ब्रिटेन ने की है। मसला चीन के कब्जे वाली पॉलिसी का है। इसी पॉलिसी के तहत चीन ने सबसे पहले बारबाडोस को कर्ज के बोझ तले दबाया और अब कब्जा करने आगे बढ़ा है। लेकिन इस रणनीति में ब्रिटेन की महारानी का सबसे बड़ा अपमान हो रहा है। बारबाडोस में ब्रिटेन की रानी संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन चीन कर्ज तले दबे बारबाडोस पर दबाव डाल रहा है। महारानी को प्रमुख की उपाधि से हटाना चाहता है, इसलिए अब ब्रिटेन चीन के खिलाफ रणनीति बना रहा है। बारबाडोस को लेकर चीनी चाल से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट अमेरिका ने तैयार की है, जिसे सार्वजनिक कर दिया गया है। खुलासा यह है कि चीन ने बारबाडोस के साथ ठीक वैसा ही खेल खेला है जैसा अफ्रीकी देशों के साथ खेला था। बंदरगाह और हाई स्पीड रेल लाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बारबाडोस को बड़ी मात्रा में लोन दिया, उसे बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल किया और अब कर्ज नीति में फंसाकर कब्जे के लिए पहले चीन ब्रिटेन के अधिकार को खत्म करना चाहता है। बारबाडोस में 400 सालों के लिए ब्रिटेन का शासन होगा। बारबाडोस ने ब्रिटेन का शासन खुद स्वीकार किया है। शासन के तहत संवैधानिक प्रमुख ब्रिटेन की रानी है। हालांकि बारबाडोस स्वायत्त प्रशासन के तहत काम करता है, लेकिन चीन अपनी नीति से सीधे ब्रिटेन को चुनौती दे रहा है। इसलिए ब्रिटेन ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसके गरीब और छोटे आइलैंड पर कब्जे की रणनीति के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट के आधार पर जो खुलासा हुआ, उस पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कूटनीतिज्ञों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मुमकिन है चीन की नीति के खिलाफ अभियान छेड़ने को ब्रिटेन की महारानी भी हरी झंडी दे दे। ब्रिटेन अगर सीधे बारबाडोस के मुहाने से चीन के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो चीन के सामने एक और ऐसा ताकतवर मुल्क जंग के लिए खड़ा होगा, जिससे युद्ध लड़ने का मतलब चीन का विनाश है। यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका और रूस सब एक पक्ष में खड़े नजर आएंगे और एक छोटे से मुल्क में लगाई आग से चीन का हाथ जल जाएगा, चीन भस्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।